स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहाँ खाना प्यार से बनता है। और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया। आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी चटकारे वाली मोमोज वाली चटनी। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अक्सर जब भी बाहर से मोमोज लेकर आते ना, तो ये लाल चटनी खत्म होते ही मुझे तो बहुत दुख होता था। तो सोचा क्यों ना ये चटनी घर में ही बना लूं। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ बाजार वाले मोमोज की रेड वाली चटनी की रेसिपी। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं इस अमेजिंग चटनी को। ये अमेजिंग चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हैं ये सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें। तो ये देखिए, सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें जो होती हैं वो ऐसे रिंकल्ड मिर्चें होती हैं, और इनसे ये चटनी बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो मैं एक मिर्च लेकर इसके टॉप से ऐसे इसका टॉप निकाल के इसके सारे बीज निकाल दूंगी। ये देखिए, मैं इसके सारे बीज निकाल दूंगी और इसको बिल्कुल खाली कर दूंगी। तो इससे चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये इतनी ज़्यादा लेकिन तीखी नहीं होगी, आप आराम से इसे खा पाएंगे। तो देखिए, ऐसे मैंने इसको खाली कर दिया है और ऐसे ही मैं इन सारी मिर्चों को बिल्कुल खाली करूँगी और फिर इन्हें भिगो दूंगी। ये देखिए, मैंने इन मिर्चों को भिगो दिया था अंदाजन 4 से 5 घंटे तक, और ये बिल्कुल सॉफ्ट, अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। मैं आपको इन्हें हाथ से भी तोड़ के दिखाती हूँ, ये आराम से हाथ से भी टूट रही है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अगर आपके पास वक्त की कमी हो, 4-5 घंटे आप इसको ना भिगो सकें, तो आप इसे 1 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो दें। अब ये भीगी हुई मिर्चें जाएंगी इस मिक्सी के जार में, तो ये मैं सारी निकाल के इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी डाल दूँगी, अंदाजन 2 चम्मच। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर 3 टमाटर। तो ये 3 टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए थे, ये भी जाएंगे इसके अंदर। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये लहसुन की कलियां। तो ये 10 मिर्चें थी जिन पे डाल रही हूं मैं 20 लहसुन की कलियां, और बस अब मैं इन्हें पीस लूंगी। ये चटनी अभी थोड़ी दरदरी है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और जाएगा, तो मैं इसके अंदर अंदाजन 2 से 3 चम्मच पानी और डाल दूंगी। तो ये चटनी बहुत अच्छे से पिस गई है, ये देखिए। अब इस पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो यहाँ मैंने अंदाजन 2 चम्मच ऑयल डाला है, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम इस टाइम बिल्कुल कम है। और इसके ऊपर अब मैं छान लूँगी ये जो हमने मिक्सी में बना के रखा है अपना। तो ये देखिए, ऐसे तो हमने मिर्ची के सारे बीज निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़े से मिर्ची के बीज और हमने जो टमाटर पीसा है उसका भी जो रफेज है वो ऊपर सारा रह गया है, और बिल्कुल क्लीन एकदम बिना बीज के जो हमारी मिर्ची की पेस्ट है वो अंदर चली गई है। तो बस अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, मैंने इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट तक सिम पे पकाया है, और आप ये देख सकते हैं कि साइड में अच्छे से बॉयल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक। तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच मैं डालूंगी इसके अंदर चीनी। तो चीनी इसका जो मिर्ची वाला फ्लेवर है उसको बहुत ही अच्छे से बैलेंस करेगी। तो ये डाल के मैं मिक्स कर देती हूँ। ये चटनी ऑलमोस्ट 10 मिनट तक सिम पे पकी है, बहुत ही अच्छे से ऑयल इसका रिलीज़ हुआ है। और लास्ट में मैं डालूंगी इसके अंदर एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो बिल्कुल बना देगा ऐसे बाज़ार वाली मोमोज की चटनी। तो ये मेरे पास है 1 पैकेट मैगी मसाला, इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये मैगी मसाला इसको बिल्कुल ऐसा फ्लेवर देता है जैसे आपको बाहर मोमोज के साथ चटनी मिलती है ना, इसमें बिल्कुल वो वाला फ्लेवर आ जाता है। तो ये डाल के भी मैं इसको मिक्स कर दूंगी। इसकी ऑलरेडी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरा किचन बहुत अच्छे से महक रहा है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी, आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हो। तो दिस इज़ अ मस्ट ट्राई।
चलिए तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है और ये अच्छे से पक चुकी है। बस अब मैं इसमें गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और मेरी टेस्टी अमेजिंग चटनी है तैयार। आई एम श्योर आप भी हैरान हो गए होंगे देख के कि ये चटनी बनाना इतना आसान था। ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।